नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग के द्वारा एकोपैथिक मेडिसिन इथोजा सिनेपियम के सिम्टम्स के विषय में बताने जा रहे हैं। ये सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन इथोजा सिनेपियम। इथोजा सिनेपियम औषधि बच्चों के रोगों के लिए महौषधि है। इथोजा सिनेपियम औषधि कई प्रकार के रोगों जैसे मस्तिष्क, स्नायुजाल और पाचन दोषों से संबंधित होते हैं, उन रोगों को ठीक करने में बहुत अधिक प्रभावकारी है। मानसिक परेशानी होना, रोना चिल्लाना और चेहरे पर झलकती हुई निराशा और असंतोष आदि लक्षण बच्चों की बीमारियों के साथ में हैं, तो उनके रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि काफ़ी लाभकारी है। जब बच्चे के दांत निकल रहे हों, उस समय यदि बच्चा अधिक रो रहा हो या चिल्ला रहा हो, निराशा तथा असंतोष हो, तो बच्चे के इस रोग को ठीक करने के लिए इथोजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। गर्मी के समय में बच्चों के रोग जिसमें बच्चे को दस्त हो जाता है तथा दूध पीने पर बच्चे को दूध हजम नहीं हो रहा हो और उसके शरीर में खून की संचारण गति बहुत कम हो गई हो, तो ऐसे बच्चे का उपचार करने के लिए इथोजा सिनेपियम औषधि उपयोग करना फायदेमंद होता है। इथोजा सिनेपियम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, जैसे आँखों से संबंधित लक्षण, प्रकाश सहन नहीं हो रही हो, निबोमी ग्रंथियों में सूजन आ गई हो, नींद आने पर आँखों में कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा हो, आँखें नीचे की ओर घूम जाती हों और पुतलियाँ फैल गई हों, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है तो उसका उपचार इथोजा सिनेपियम औषधि से करना चाहिए। कान से संबंधित लक्षण, व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसका कान बंद हो गया है, कान से कुछ गर्म पदार्थ निकल रहा है, कानों के अंदर फुसफुसाहट सी महसूस हो रही हो, तो ऐसे रोगी का उपचार इथोजा सिनेपियम औषधि से हो सकता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक के अंदर श्लेष्मा जमने के कारण नाक बंद हो गया हो, नाक की नोक पर कोई फोड़ा हो गया हो, रोगी को बार बार छींकने की इच्छा हो रही हो लेकिन छींक नहीं आती हो, ऐसे रोगी को उपचार इथोजा सिनेपियम औषधि से करना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण, चेहरे पर सूजन आ गई हो तथा ऐसा महसूस हो रहा हो कि चेहरा फूला जा रहा है, चेहरे पर लाल धब्बा हो गया हो, चेहरा अधिक मुरझाया सा लग रहा हो, चेहरे पर दर्द हो रहा हो, चेहरे पर दुख का भाव हो, नाक के नथनों के साथ साथ गाढ़ी रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही हो, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में है तो उसे उपचार करने के लिए इथोजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह के अंदर सूखापन तथा छाला पड़ गया हो, रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि जीभ बहुत लंबी हो गई है और कंठ के अंदर जलन हो, तो उसको फोड़े होने के कारण कुछ निकलने में परेशानी हो रही हो, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है उसको उपचार करने के लिए इथोजा सिनेपियम औषधि का उपयोग लाभकारी है। मन से संबंधित लक्षण, रोगी को अधिक बेचैनी हो रही हो, उसके चेहरे पर दुख का भाव हो, रोगी के मन में चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते अधिक दिखाई देते हैं, रोगी की समस्या बार बार हो जाती है, अधिक बड़बड़ाने की स्थिति हो गई हो, सोचने की शक्ति कम हो गई हो, मन को किसी एक चीज़ पर एकाग्र नहीं करने में असमर्थता हो रही हो, दिमागी थकान अधिक हो गई हो, अधिक क्रोध तथा चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो गया हो, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में हैं तो उसको उपचार करने के लिए इथोजा सिनेपियम औषधि काफ़ी उपयोगी है। रोगी को अपना सिर ऐसा महसूस हो रहा हो कि किसी ने सिर को किसी चीज़ से बांध रखा है और किसी शिकंजे में कसा हुआ लग रहा हो, सिर के पीछे के भाग में दर्द होना तथा दर्द का असर मेरुदंड भाग तक फैला हुआ हो, लेटने तथा दबाव देने से कुछ आराम मिल रहा हो, सिर में ऐसे लक्षणों के साथ रोगी के पेट में वायु यानी गैस बन रहा हो तथा मलत्याग करने पर रोगी को कुछ आराम मिलता हो,
कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसके सिर के बाल को पकड़ कर वो खींच रहा है, सिर में चक्कर आने के साथ है, नींद न आने की समस्या और धड़कन का रुक रुक कर चलना और सिर में तथा सिर कुछ गर्म सा लगना, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में है उसके रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। अमाशय से संबंधित लक्षण, बच्चे में दूध को पचाने की शक्ति कम होना, दूध पीते ही उल्टी कर देना या उल्टी में दही जैसा जमा हुआ थक्का निकलना, उल्टी करने के बाद फिर से भूख लग जाना, खाना खाने के एक घंटे के बाद उबकाई के साथ खाया हुआ भोजन ऊपर को आता है, तेज उल्टी के साथ सफ़ेद झागदार पदार्थ बाहर आ रही हो, खाना को देखते ही जी मिचलाने लगना, अमाशय में तेज दर्द तथा सिकुड़न होना, उल्टी करने के साथ पसीना अधिक निकलना तथा शरीर में कमजोरी अधिक महसूस होना तथा उसके साथ साथ बेचैनी तथा अमाशय में दर्द होना, नींद ना आना, कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि अमाशय के अंदर चीरने फाड़ने के जैसा दर्द हो रहा है तथा दर्द का प्रभाव ग्रास नली यानी भोजन नली तक होता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है उसके रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, पेट के अंदर तथा बाहर की ओर ठंडा महसूस होना तथा उसके साथ साथ आंतों में दर्द होना, रोगी को चक्कर तथा अधिक कमजोरी महसूस होना, लगातार उल्टी आना तथा चक्कर आना और उसके साथ साथ शरीर में कमजोरी अधिक महसूस होना, पेट के ऊपर का भाग तना फूला हुआ महसूस होना, नाभि के आसपास दर्द होना तथा पेट के अंदर की बुलबुलाहट महसूस होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण, रोगी जब मल त्याग करता है, शौच क्रिया करता है तो मल अनपचा पतला हरा रंग का होता है तथा मल त्याग करने से पहले पेट में दर्द होने के साथ मरोड़ होना और बाद में रोगी थक कर सुस्त हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आती है, छोटे बच्चे को होने वाला हैजा, बच्चे की त्वचा ठंडी हो जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है तथा उसके साथ ही दृष्टि दोष हो जाता है, पुतलियाँ फैल जाती हैं, रोगी को कब्ज की समस्या होने के साथ ही ऐसा महसूस हो रहा हो कि आंतों की शक्ति कम हो गई हो, वृद्धावस्था में हैजा का प्रकोप हो गया हो, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को है उसके रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मूत्र से संबंधित लक्षण, मूत्राशय में दर्द होना तथा उसके साथ ही रोगी को पेशाब करते हुए कुछ अच्छा महसूस होता है और अंडकोश में दर्द होने लगता है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग लाभदायक है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, रोगी स्त्री जनेन्द्रियों में लकड़ी की नुकीली चीजें घुसेड़ देने जैसा दर्द महसूस होता है तथा जनेन्द्रियों में खुंसियाँ हो गई हों, अधिक गर्म मौसम होने पर जनेन्द्रियों में खुजली मचना, मासिक धर्म में पतला तथा पानी के जैसा स्राव होना, स्त्री रोग के ग्रंथियों में सूजन आ गई हो, उसके साथ ही जनेन्द्रियों में दर्द हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षण यदि स्त्री में है उनको उपचार करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ तथा शरीर के बाहरी अंग से संबंधित लक्षण, खड़े होने पर तथा सिर को ऊंचा उठाने की शक्ति का कम होना, कमर पर जकड़न, पीठ के निचले भाग में लगातार दर्द होना, शरीर के कई अंगों में अधिक कमजोरी महसूस होना, उंगलियां और अंगूठों के आसपास के भागों में दबाव महसूस होना, हाथों व पैरों में शून्यपन होना, बेहोशी की समस्या उत्पन्न होना, आंखों की नज़र तिरछी होना तथा आंखें बार बार छपकना, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है उनको उपचार करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि बहुत उपयोगी है। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण, सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी होना, मुंह तथा नाक से सांस लेने वाले अंगों में सिकुड़न तथा ऐंठन जिसके कारण रोगी बोल भी नहीं पाता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी की चिकित्सा करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि उपयोग करना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय की गति तेज धड़कना तथा उसके साथ ही सिर में चक्कर आना तथा दर्द होना और बेचैनी जैसी समस्या उत्पन्न होना,
नाड़ी की चलने की गति तेज तथा कठोर होना और कभी कभी एकदम कम गति से धड़कना, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में है तो उसका उपचार एथुजा सी नबी मोदी से हो सकता है। चर्म रोग से संबंधित लक्षण, चलते समय जामुन की चमड़ी छिल गई हो, शरीर से पसीना अधिक निकल रहा हो और शरीर के कई भाग ठंडा होते हुए भी उस भाग से पसीना निकल रहा हो, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ गई हो, हड्डी के जोड़ों में दर्द और उसके चारों ओर खुजली मच रही हो, हाथों की चमड़ी सूखी और मुरझाई हुई हो, त्वचा पर नीले रंग के दाग हो गए हों, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। नींद से संबंधित लक्षण, नींद, थोड़ी बहुत नींद आने पर चौंकने के साथ उठ जाना, फिर नींद ना आना, शरीर से ठंडा पसीना निकलना, उल्टी आना तथा मलत्याग करने के बाद उंघाई आना, बच्चे को उल्टी आने के कारण बहुत अधिक थकावट होना तथा उसके बाद तुरंत नींद आ जाना, इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। ज्वर यानी बुखार से संबंधित लक्षण, बहुत अधिक गर्मी महसूस होना तथा प्यास बहुत कम लगना, शरीर से बहुत अधिक ठंडा पसीना निकलना, पसीना निकलने के समय में रोगी को वस्त्र ओढ़ने का मन करता है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। बच्चे के हैजा रोग से संबंधित लक्षण, बच्चा दूध पीकर सही से सो रहा होता है तो और एकाएक ही जगकर फटे हुए दूध की तरह के पदार्थ की उल्टी कर देता है, उसके शरीर में कमजोरी अधिक आ जाती है और उसके बाद वह फिर से सो जाता है, उसके कुछ देर बाद बच्चा जागकर रोने लगता है, उसके बाद माता सोचती है कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है तो माँ उसे फिर से दूध पिला देती है, लेकिन फिर बच्चा दोबारा से उल्टी कर देता है, उसके बाद बच्चे को दस्त भी होने लगता है तथा उसका मल हरे तथा पीले रंग का होता है, बच्चे के शरीर से पसीना निकलने लगता है, सारा शरीर ठंडा हो जाता है, चेहरा फूल जाता है और फीका पड़ जाता है, आंखें बैठ जाती हैं, आंखों की पुतलियाँ बड़ी महसूस होती हैं, नाक नुकीली हो जाती है, होंठ का रंग नीला पड़ जाता है, इस प्रकार के लक्षण होने पर कभी कभी तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण यदि बच्चे में हो उसका उपचार करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि बहुत ही उपयोगी है। अपचन से संबंधित लक्षण, अधिक अपच की समस्या होना, खाया हुआ द्रव्य अच्छी तरह हजम न होना, शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी हो जाना, पाचन शक्ति बहुत अधिक कमजोर हो जाना तथा हैजा जैसी अवस्था उत्पन्न होना, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी बच्चे में है उसके रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक अवस्था से संबंधित लक्षण, जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी अधिक हो तथा उसके कोई भी काम करने से मन नहीं लग रहा हो, खाना खाने पर भोजन न पच रहा हो, इस प्रकार के लक्षण होने पर तथा अजीर्ण रोग उत्पन्न होने की अवस्था होने पर इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसी अवस्था में यह औषधि बहुत अधिक लाभदायक है। प्यास से संबंधित लक्षण, प्यास एकाएक उल्टी आ जाना और प्यास बिल्कुल कम हो जाना तथा उसके साथ साथ ही जलन तथा बेचैनी होना, इस प्रकार के लक्षणों से दूर करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि बहुत उपयोगी है। मिर्गी से संबंधित लक्षण, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तथा उस समय में अंगूठा मुट्ठी के अंदर तथा हथेली में जाकर चिपक जाता हो, चेहरा लाल पड़ गया हो, आंखें उतर गई हों, पुतलियाँ फैलकर स्थिर हो गई हों, मुंह से झाग आ रहा हो, जबड़े आपस में चिपक गए हों और नाड़ी की गति कम या भारी हो गई हो, इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है उसके रोग को ठीक करने के लिए इथुजा सिनेपियम औषधि का उपयोग करना चाहिए। वृद्धि एग्रेवेशन, रोगी के रोग में सुबह के समय में 3 बजे से 4 बजे तक और शाम के समय में तथा गर्मी मौसम में रोग की वृद्धि होती है। शमन एमिनेशन रश, खुली हवा में रहने तथा लोगों के साथ रहने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। संबंध रिलेशन, श्रम पैदा करने वाले विचार उत्पन्न होने, लेटने से आराम मिलना, जीभ का स्वाद कड़वा होना या लार निकलना, हाथ तथा पैर बर्फ की तरह ठंडा हो जाना, इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए एथामंथा औषधि उपयोगी है, लेकिन ऐसी लक्षणों में एथुजा सिनेपियम औषधि भी उपयोगी है, इसलिए एथुजा सिनेपियम औषधि की तुलना एथामंथा से करना चाहिए।
मात्रा डोजेज इथोजा सिनापियम और जी की तीसरी से तीसवीं शक्ति का प्रयोग रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।